Dear students, today we will discuss chapter body fluid and circulation. Dear students, body fluid and circulation chapter में इसके पहले हम दो पार्ट की बात कर चुके हैं, आज हम पार्ट थ्री की बात करेंगे और इस चैप्टर में टॉपिक है ब्लड ग्रुप. सो नाउ विल स्टार्ट ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप, डियर स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप की हम बात करते हैं. तो सबसे पहले इसको डिटरमाइन किसने किया था उसकी हम बात करेंगे. तो ब्लड ग्रुप को जो डिटरमाइन किए थे लैंडस्टीनर थे. लैंडस्टीनर साइंटिस्ट का नाम है, आइए देखते हैं. लैंडस्टीनर, डियर स्टूडेंट, लैंडस्टीनर साइंटिस्ट ने ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन किया था. डिटरमाइन बाय किसके थ्रू किया था, एंटीजन के थ्रू किया था, ठीक है. तो डिटरमाइन बाय एंटीजन. एंटीजन के द्वारा इसको क्या किया गया था, डिटरमाइन किया गया था, ठीक. डिटरमाइन बाय एंटीजन, ठीक. एंटीजन एग्लूसिनोजन, ठीक, प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस. एंटीजन जो थे ये कहाँ पे प्रेजेंट थे, आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते थे, ठीक. तो एंटीजन ऑब्लिक आप कह सकते हैं एग्लूसिनोजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस. कहाँ पे पाए जाते हैं, आरबीसी सरफेस पर पाए जाते हैं. प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, ठीक. सो डियर स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. लैंडस्टीनर साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिटरमाइन किया था एंटीजन एग्लूसिनोजन के आधार पर कहाँ पे पाए जाते हैं, आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक. देन हम बात करते हैं एंटीबॉडी. एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे किया गया था इसका ब्लड डिटरमिनेशन, ठीक. देन हम बात करते हैं एंटीजन एग्लूसिनेशन, ठीक. इसमें हम बात करते हैं एंटीबॉडी एग्लूसिनोजन एग्लूसिनिन, ठीक. एंटीबॉडी एग्लूसिनिन अंगेस्ट एंटीजन प्रेजेंट इन सीरम. अंगेस्ट एंटीजन प्रेजेंट ऑन सीरम. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के अंगेस्ट वर्क करते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, ठीक है. तो एंटीबॉडी एग्लूसिनिन अंगेस्ट एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन सीरम. तो एंटीबॉडी जो होता है वह सीरम में पाया जाता है और जो एंटीजन होता है वह आरबीसी के सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक. सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर दैट एंटीबॉडी एग्लूसिनिन अंगेस्ट एंटीजन प्रेजेंट ऑन सीरम, ठीक. देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं आगे, आइए देखते हैं ब्लड ग्रुप. एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं. एबीओ ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक. एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म. डियर स्टूडेंट्स, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का. मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल होता है बट ओनली वैलिड फॉर पॉपुलेशन. या किसके लिए वैलिड होता है, पॉपुलेशन के लिए वैलिड होता है. तो आप कह सकते हैं बट ओनली वैलिड फॉर पॉपुलेशन, ठीक. बट ओनली वैलिड फॉर पॉपुलेशन. बट ओनली वैलिड फॉर पॉपुलेशन, ठीक है. तो एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म बट ओनली वैलिड फॉर पॉपुलेशन. या किसके लिए वैलिड होता है, पॉपुलेशन के लिए वैलिड होता है, ठीक. देन हम यहाँ पे बात करते हैं एबी ब्लड ग्रुप.
इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक, यहीं पे कंटिन्यू देख लेते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक, देन हम बात करते हैं यहाँ पे, देयर आर फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। यहाँ पे कितने टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। चार प्रकार के ब्लड ग्रुप इसमें पाए जाते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट्स, देयर आर फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। देयर आर फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, यहाँ पे चार प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप एंड ओ, एंड ब्लड ग्रुप ओ। ठीक, एंड ब्लड ग्रुप ओ। सो डियर स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप फोर टाइप्स के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक, देन हम यहाँ पे बात करते हैं, अब आइए बात करते हैं ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन किस ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, कौन सा एंटीबॉडी किस ब्लड ग्रुप में पाया जाता है, कौन सा ब्लड किसको आप दे सकते हैं, कौन सा ब्लड किसका आप ले सकते हैं, उसकी हम यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक, ब्लड ग्रुप, देन हम एंटीजन एंटीबॉडी लिखेंगे। एंटीजन यहाँ पे एंटीबॉडी लिख देते हैं। यहाँ पे रिसीव टू आप किसका ले सकते हैं और डोनेट टू किसको आप दे सकते हैं। ठीक, तो रिसीव टू, रिसीव टू, रिसीव नहीं, रिसीव फ्रॉम कह सकते हैं, रिसीव फ्रॉम। ठीक, और डोनेट टू, डोनेट टू। ठीक, आप किसका ले सकते हैं, किसको दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे हम इसको बहुत आसानी से समझते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप, देयर आर फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक, ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी, रिसीव फ्रॉम, डोनेट टू। ठीक, देन हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। डियर स्टूडेंट्स, ए ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन जो होता है ए होगा। ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप और उसका एंटीजन सेम ही होता है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए होगा और यहाँ पे उसका एंटीबॉडी बी होगा, क्योंकि एंटीबॉडी जो होता है अपोजिट होता है। हमने अभी इसके पहले डिस्कस किया, एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, अंगेस्ट होते हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी के अंगेस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। ठीक, सॉरी, एंटीबॉडी बी होगा। ठीक, देन हम बात करते हैं कि रिसीव फ्रॉम, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप किसका ब्लड ग्रुप ले सकते हैं? ए का ले सकते हैं। ठीक है, ए का ले सकते हैं क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप ए है। और किसका ले सकते हैं? ओ का ले सकते हैं, क्योंकि ओ जो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वह यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक, तो आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ब्लड ग्रुप ए वाले का ले सकते हैं और ओ वाले का ले सकते हैं। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ब्लड ग्रुप ए ले सकते हैं और ब्लड ग्रुप ओ ले सकते हैं। ठीक, और किसको दे सकते हैं? अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ब्लड ग्रुप ए वाले को दे सकते हैं और ए बी वाले को दे सकते हैं। ठीक है, ए वाले को दे सकते हैं और ए बी वाले को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है डेट इज यूनिवर्सल रिसिपियंट होता है। ए बी ब्लड ग्रुप सबका ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है। ठीक,
तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी रिसीव फ्रॉम ए और ओ, डोनेट टू ए और ए बी, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो इसमें एंटीजन क्या होगा, बी होगा। ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, क्योंकि अपोजिट होगा, एंटीजन एंटीबॉडी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप किससे ले सकते हैं ब्लड, ब्लड ग्रुप बी वाले का ले सकते हैं और ओ वाले का ले सकते हैं, तो आप ओ वाले का ले सकते हैं और बी वाले का, बी वाले का और ओ वाले का ले सकते हैं। और किसको दे सकते हैं, बी को दे सकते हैं क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप बी है, और ए बी को भी दे सकते हैं क्योंकि ए बी तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ठीक है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन इसका क्या होगा, ए होगा और बी होगा, ठीक। और इसका एंटीबॉडी जो है अपोजिट होगा, अपोजिट बनेगा, तो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, ठीक। ये नील होगा, यहाँ पे आप कह सकते हैं नो एंटीबॉडी, यानी कि नील कह सकते हैं, ठीक है, नो एंटीबॉडी, ठीक। देन अब आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप किसको किसको किसका किसका ले सकते हैं, ए बी है यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ए का भी ले सकते हैं, बी का भी ले सकते हैं, ए बी का भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और ओ का ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो देने वाला यूनिवर्सल डोनर है वो, ठीक। और दे किसको सकते हैं आप किसको दे सकते हैं, सिर्फ ए बी को दे सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो सिर्फ आप ए बी ब्लड ग्रुप वाले को दे सकते हैं, ठीक है, अन्यथा आप किसी को नहीं दे सकते हैं। लेकिन लेने की बारी आएगी तो आप ए का भी ले लेंगे, बी का भी ले लेंगे, ए बी का भी ले लेंगे और ओ का भी ले लेंगे। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो फायदे में होते हैं, क्योंकि ओ सभी का ले सकते हैं और देने की बात आएगी तो सिर्फ ओ ए और बी को दे सकते हैं, ए बी को दे सकते हैं, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, ठीक। देन हम बात करते हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ की। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड ग्रुप ओ, तो इसका जो एंटीजन होगा यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसका एंगेस्ट बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसका एंटीजन यहाँ पे नील होगा, यानी आप कह सकते हैं नो एंटीजन, ठीक। और एंटीबॉडी की बात किया जाएगा तो एंटीबॉडी इसका ए होगा और बी होगा, ठीक। और रिसीव किसका किसका रिसीव करेगा, ब्लड ग्रुप ओ है तो रिसीव किसका करेगा, केवल ओ को रिसीव करेगा, केवल ओ को रिसीव करेगा। लेकिन जब देने की बात आएगी तो यूनिवर्सल डोनर है, याद रखिए यूनिवर्सल डोनर है, बार बार वही बात मैं कह रहा हूं, यूनिवर्सल डोनर है, तो इसलिए क्या करेगा, ए को भी देगा, ए बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को देगा, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर, ओके डेट, यहाँ पे इस बात का बिल्कुल चार्ट का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी रिसीव फ्रॉम ए और ओ, डोनेट टू ए और ए बी, ठीक। ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए रिसीव फ्रॉम बी और ओ, डोनेट टू बी और ए बी, ठीक। ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन ए और बी, एंटीबॉडी नील, कोई एंटीजन कोई एंटीबॉडी यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, ठीक। रिसीव फ्रॉम ए बी, ए बी ओ, ठीक। उसके बाद डोनेट टू ए बी, ओनली ए बी, ठीक। देन ब्लड ग्रुप ओ एंटीजन नील, कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए और बी होंगे, रिसीव फ्रॉम ओ, ओनली ओ, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक, डोनेट टू ए बी, ए बी एंड ओ। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ब्लड ग्रुप चार्ट, ठीक है, हमने क्लियर किया। देन हम बात करते हैं अदर ब्लड ग्रुप की। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम अदर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। अदर ब्लड ग्रुप, अदर ब्लड ग्रुप, डियर स्टूडेंट्स, अदर ब्लड ग्रुप में क्या आएंगे, दैट इज एम एन ब्लड ग्रुप, ठीक है, एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम, दैट इज एम एन ब्लड ग्रुप
system. That is other blood group system. That is MN blood group system. So codominance. ये क्या करते हैं? That is so codominance. ये क्या करते हैं? So codominance. Dear students, ये जो होते हैं codominance को so करते हैं. That is Bombay blood group. इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं Bombay. बॉम्बे ब्लड ग्रुप. ठीक, इसी को बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप. डियर स्टूडेंट्स, अदर ब्लड ग्रुप दैट इज यमेन ब्लड ग्रुप सिस्टम सो कोडोमिनेंस दैट इज बॉम्बे ब्लड ग्रुप. ठीक, देन हम आगे बात करते हैं. आइए यहां पे बात करते हैं आरएच फैक्टर की. डियर स्टूडेंट्स, जब हम आरएच फैक्टर की बात करते हैं, आरएच फैक्टर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड विनर. आइए देखते हैं आरएच फैक्टर. आरएच फैक्टर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड विनर. लैंडस्टीनर एंड विनर आरएच फैक्टर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड विनर. ठीक, आरएच फैक्टर की डिस्कवरी किसने किया था? लैंडस्टीनर और विनर ने किया था. ठीक, यहां पे हम देखते हैं आरएच फैक्टर को, पढ़ते हैं. ठीक है, समझते हैं यहां पे कि इफ आरएच फैक्टर इज प्रेजेंट, इफ RH फैक्टर इज प्रेजेंट, यदि RH फैक्टर प्रेजेंट होगा देन इट इज कॉल्ड RH पॉजिटिव. तब उसे क्या कहा जाएगा? देन इट इज कॉल्ड RH पॉजिटिव. डियर स्टूडेंट्स, इफ RH फैक्टर इज प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड RH पॉजिटिव. यदि RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव. जबकि इफ RH फैक्टर इज अब्सेंट, while if RH antigen is absent, then it is called RH negative. Dear students, बहुत important line है. RH factor discovered by Landsteiner and Wiener. If RH factor is present, then it is called RH positive. While if RH antigen is absent, then it is called RH negative. यहाँ पे यदि RH factor present है तो वह RH positive है, यदि RH factor absent है तो वह RH negative है. ठीक, देन हम आगे बात करते हैं. यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखते हैं आगे कि RH फैक्टर इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन. फैक्टर इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन को शो करते हैं. ठीक, तो आप कह सकते हैं RH फैक्टर इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन. RH फैक्टर ड्यू टू डोमिनेंट जीन, ये डोमिनेंट जीन को शो करते हैं. RH blood group does not follow law of Landsteiner. बहुत important line है. ठीक, RH आप कह सकते हैं RH blood group does not follow RH blood group does not follow
RH blood group does not follow law of Landsteiner. Law of Landsteiner. Dear students, यहां पे RH blood group does not follow law of Landsteiner. RH blood group जो होता है law of Landsteiner को follow नहीं करते हैं. ठीक, देन हम बात करते हैं इसमें डियर स्टूडेंट्स, यहां पे समझते हैं आगे हम. यदि इफ मदर इज आरएच नेगेटिव, यदि मदर आरएच नेगेटिव हो, इफ मदर इज आरएच नेगेटिव, देखते हैं, इफ मदर इज आरएच नेगेटिव, यदि माता का जो ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव है. ठीक, एंड फादर इज आरएच पॉजिटिव, एंड फादर इज आरएच पॉजिटिव. इफ मदर इज आरएच नेगेटिव एंड फादर इज आरएच पॉजिटिव, देन ऑफ स्प्रिंग विल बी आरएच पॉजिटिव. ठीक, देन ऑफ स्प्रिंग विल बी आरएच पॉजिटिव. यदि माता का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा. ठीक, यहां पे इस बात को हम क्लियर करते हैं. ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं. एक केस कब होगा, यहां पे हेयर फर्स्ट प्रेगनेंसी आर नॉट सक्सेसफुल, यहां पे हेयर फर्स्ट प्रेगनेंसी, यहां पे हेयर फर्स्ट प्रेगनेंसी आर नॉट सक्सेसफुल, आर नॉट सक्सेसफुल, यहां पे फर्स्ट प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होगी, but in later pregnancies death of fetus due to widespread vascular damage that is erythroblastosis fetalis, that is erythroblastosis fetalis or RH incapability, or RH incompatibility ability. ठीक, so dear students, it is clear that यहां पे इस बात का clear होना important है. If mother is RH negative and father is RH positive, then offspring will be RH positive. Here first pregnancy are not successful, but in later pregnancies death of fetus due to widespread vascular damage, that is erythroblastosis fetalis or RH incompatibility. ठीक, then हम आगे बात करते हैं यहाँ पे. डियर स्टूडेंट्स, आगे यहां पे देखते हैं.
यहाँ पे ये जो अभी हमने केस डिस्कस किया इसमें आरबीसी डिस्ट्रैक्शन का केस होता है, ठीक है। सो उसको आप डिटेल में पढ़ोगे तब क्लियर कर पाएंगे, देन हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। नोट में बात कर लेते हैं, नोट नोट मतलब इम्पोर्टेंट बात, ठीक। नोट में हम ये जानना चाहेंगे, ठीक है, देखते हैं इसमें कि यूनिवर्सल डोनर जो होता है, यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, डेट इज ओ, ओ ओ बोले तो ओ निगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, ओ निगेटिव को कहते हैं, डेट इज यूनिवर्सल डोनर, ठीक। देन हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टू की, इंपॉर्टेंट टू में हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल रिसिपियंट किसको कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपियंट किसको कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपियंट किसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट, जो यूनिवर्सल रिसिपियंट होते हैं डेट इज ए बी पॉजिटिव, ठीक, डेट इज ए बी पॉजिटिव, तो आप कह सकते हैं ए बी पॉजिटिव, ठीक। तो यूनिवर्सल डोनर अगर आपसे पूछा जाए, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप तो डेट इज ओ, ओ निगेटिव होता है, ठीक। यूनिवर्सल रिसिपियंट की बात किया जाए तो ए बी पॉजिटिव होता है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक। देन हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लड सर्कुलेट इन ब्लड विसल्स, ठीक। आइए देखते हैं ब्लड सर्कुलेट इन ब्लड विसल्स, कैसे ब्लड सर्कुलेट करते हैं ब्लड विसल्स के अंदर, ठीक। बात करते हैं ब्लड सर्कुलेट इन ब्लड विसल्स। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड का ब्लड विसल्स में सर्कुलेट होना, इस बात को यहां पे समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि आर्टरी वेन और कैपिलरीज के अंदर ब्लड पाए जाते हैं बॉडी में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टरी की, ठीक। आर्टरी की बात करते हैं, आर्टरी जिसको बोलते हैं धमनी, ठीक है, वेन सीरा कैपिलरीज, दैट इज वाहिनी क्या बोलते हैं हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो आर्टरी को यहां पे हम समझते हैं, ठीक है। आर्टरी की जब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये ब्लड को कैरी करते हैं, तो इसमें ऑलरेडी हमेशा से प्योर ब्लड कैरी करता है, ठीक है, इसके अंदर प्योर ब्लड पाए जाते हैं, और प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, ठीक है। तो कैरी, आइए देखते हैं, कैरी प्योर, प्योर को कैरी करेगा, ठीक है, कहां से लाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट कहां को ले जाएगा, किसको ले जाएगा, टू बॉडी टिश्यू, किसको ले जाएगा, टू बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू पे ले जाएगा पूरे बॉडी में, ठीक, आर्टरी, ठीक। इसके बाद हम यहां पे देखेंगे एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहां पे आर्टरी की बात कर रहे हैं, डेट इज प्योर कैरी प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी क्या करते हैं सारे आर्टरी, बाकी सारे आर्टरी जो है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है, ठीक, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। देन हम आगे बात करते हैं विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या करता है पल्मोनरी आर्टरी, क्या करता है विच कैरी, विच कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक,
फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, कहां से? फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से यह कलेक्शन करता है, उसको कलेक्ट करता है, ठीक है, टूवर्ड द लंग्स, लंग्स की ओर ले जाता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी है ना, पल्मोनरी वर्ड रिलेटेड टू लंग्स, तो कहां ले जाएगा उसको? लंग्स के तरफ, टूवर्ड द लंग्स, ठीक, टू वर्ड्स द लंग्स, डियर स्टूडेंट्स कहां ले जाएगा? टूवर्ड द लंग्स, ठीक। देन हम इसकी इंपॉर्टेंट बात करते हैं आगे कि जो आर्टरी होती है डियर स्टूडेंट्स, जो आर्टरी होती है नॉन कॉलेप्सिबल होती है, यानी कॉलेप्सिबल को शो नहीं करती है, नॉन कॉलेप्सिबल होती है, ठीक। या कैसी होती है आप यहीं पे देख लीजिए, डेट इज नॉन कॉलेप्सिबल, ठीक है, या कॉलेप्सिबल को शो नहीं करती है। क्यों नहीं शो करती है? क्योंकि ये थिक मस्कुलर वाल, इसकी मस्कुलर वाल जो होती है आर्टरी की वो थिक होती है, थिक मस्कुलर वाल, इसकी अंदर जो वाल होती है वो थिक होती है, ठीक है। नैरो ल्यूमेन, जब मस्कुलर वाल थिक होगी तो ल्यूमेन जो उसका होगा पतला होगा, तो आप कह सकते हैं नैरो ल्यूमेन, ठीक, इसका ल्यूमेन जो होता है नैरो ल्यूमेन होगा, इसका ल्यूमेन कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स? नैरो ल्यूमेन होता है। इसके अंदर बाल्ब नहीं पाए जाते हैं, नो बाल्ब, क्योंकि ब्लड जो होता है इतनी प्रेशर से आता है हार्ट से कि बैक फ्लो का कोई चांस ही नहीं रहता है, तो आप कह सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का बाल्ब नहीं पाया जाता है, क्योंकि ल्यूमेन इसका नैरो होता है, थिक मस्कुलर वाल होती है, तो इसमें कोई भी बाल्ब नहीं पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं नो बाल्ब, नो बाल्ब, ठीक। आप यहां देख लीजिए नो बाल्ब, नो बाल्ब, ठीक, इसके अंदर बाल्ब नहीं पाए जाते हैं। बाल्ब का कहते नहीं हार्ट का वाल्व खराब हो गया, वाल्व जिसको बोलते हैं, बाल्ब जिसको बोलते हैं, ठीक है। हार्ट वाल्व का मतलब यहाँ पे ये होता है, बाल्ब का रोल ये होता है प्रिवेंट एनी बैक फ्लो, किसी भी बैक फ्लो को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो प्रिवेंट मतलब उसको रोकता है, बैक फ्लो मतलब ब्लड जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाए, ना कि वो बैक फ्लो हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बल्ब लगे होते हैं, तो आर्टरी में कोई बल्ब नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ ब्लड तेजी प्रेशर से होता है, इसकी ल्यूमेन थिक होती है, इसकी नैरो ल्यूमेन होती है, ठीक, इसीलिए यहाँ पे कोई बल्ब नहीं पाया जाता है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे देखते हैं, आर्टरी का इंपॉर्टेंट काम एक और देख लेते हैं। इसका जो पीएच होगा, ठीक है, पीएच ऑफ ब्लड इज हाई, इसके अंदर जो पीएच होगा आर्टरी के अंदर ब्लड का जो पीएच होगा वो हाई होगा ड्यू टू लो सीओ टू काउंट कंटेंट, ठीक है। पीएच ऑफ, पीएच ऑफ ब्लड इज हाई, पीएच ऑफ ब्लड इज हाई, ब्लड का पीएच यहां पे हाई होगा ड्यू टू लो सीओ टू काउंट, ठीक है, ड्यू टू लो सीओ टू काउंट कंटेंट कह सकते हो, कंटेंट यहां पे सीओ टू, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का चांसेस ही कम होगा बहुत, जब चांसेस कम होगा तो इसका ब्लड का पीएच यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है, ब्लड का पीएच यहाँ पे ज्यादा होगा, तो आप कह सकते हैं पीएच ऑफ ब्लड इज हाई ड्यू टू लो सीओ टू काउंट, लो सीओ टू काउंट या कंटेंट, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, डियर स्टूडेंट्स अब हम यहां पे बात करते हैं, आर्टरी की बात कर लिए, वेन की बात करते हैं, ठीक है, वेन,
बेन की बात करते हैं, बेन को जिसको सिरा कहते हैं, हिंदी में सिरा बोलते हैं, ठीक है। तो यह क्या करता है, कैरी इम्प्योर ब्लड, बेन जो होता है कैरी इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। इम्प्योर ब्लड बोले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कैरी करेगा, फ्रॉम द बॉडी टिश्यू, ठीक है, कहां से कैरी करेगा, फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। तो आप कह सकते हैं कैरी इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक, कैरी इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू कहां ले जाता है, टूवर्ड द हार्ट, मतलब आर्टरी का उल्टा, टूवर्ड द हार्ट, टूवर्ड, टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की ओर ले जाता है, टूवर्ड द हार्ट, ठीक, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, केवल पल्मोनरी वेन को छोड़कर, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, केवल पल्मोनरी वेन को छोड़कर, ठीक है, ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कहां ले जाता है, फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक, पल्मोनरी वेन क्या करते हैं, विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्यूरीफाइड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, या आप कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड या प्यूरीफाइड ब्लड, प्यूरीफाइड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वेन की, कैरी इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टूवर्ड द हार्ट, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड प्यूरिफाइड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आरटीएम, फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आरटीएम। देन हम डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं वेन के बारे में, कि वेन जो होती है, इसकी वाल जो होती है, डेट इज कैलोप्सिबल इन नेचर, ठीक है, इसकी वाल जो होती है कैसी होती है, कैलोप्सिबल होती है, कैलोप्सिबल वाल होती है इसकी, ठीक, इसकी वाल जो होती है कैलोप्सिबल होती है, ठीक, इसकी जो ल्यूमन होती है वाइडर ल्यूमन इसके अंदर होगा, वाइडर ल्यूमेन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक। और इसकी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे हैज वाल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इसके अंदर वाल्व पाए जाते हैं, ठीक, हैज वाल्व, हैज वाल्व, इसके अंदर वाल्व पाए जाएंगे जो क्या करेंगे, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। सो डियर स्टूडेंट्स, जो वेन होती है एक कैलोप्सिबल वाल उसके अंदर होगी, इसका जो ल्यूमेन होगा डेट इज वाइडर, वाइडर होगा, ठीक है, वाइडर ल्यूमेन, बड़े ल्यूमेन होंगे, इसके अंदर वाल्व पाए जाते हैं, हैज वाल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, क्योंकि जब वाल्व प्रेजेंट होगा तो ब्लड बैक फ्लो नहीं होने पाएगा, ठीक। इसका जो पीएच होता है, पीएच ऑफ ब्लड इज लो, पीएच ऑफ ब्लड इज लो, ब्लड का पीएच यहां पे लो होता है, क्यों लो होता है, क्योंकि ड्यू टू हाई CO2 कंटेंट, ठीक है, ड्यू टू हाई
CO2 content, ठीक। तो pH of blood is low due to high CO2 content. pH of blood is low due to high CO2 content, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं यहां पे। डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, यहां पे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे वाल ऑफ ब्लड विसल की बात करते हैं। ब्लड विसल्स की वाल कैसे पाई जाती है, क्या क्या होते हैं इसमें। वाल ऑफ ब्लड विसल, ठीक, वाल ऑफ ब्लड विसल की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट जब हम वाल ऑफ ब्लड विसल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो ब्लड विसल्स की वाल होती है वह टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया, टूनिका इंटाइना इन टाइमा से बनी होती है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं या किससे किससे बनी होती है, टूनिका एक्सटर्ना से बनी होती है, टूनिका मीडिया से बनी होती है, टूनिका मीडिया से बनी होती है जो कि मस्कुलर इन नेचर की होती है, जो कि मस्कुलर होती है, टूनिका मीडिया डेट इज मस्कुलर, ठीक। टूनिका इन टाइमा डेट इज टूनिका इन टाइमा, टूनिका इन टाइमा जो होती है अंदर की वाल की लेयर होती है डेट इज स्क्वामस सेल इंडोथीलियम, स्क्वामस सेल इंडोथीलियम, स्क्वामस सेल इंडोथीलियम। सो डियर स्टूडेंट्स वी आर डिस्कस वाल ऑफ ब्लड विसल्स दैट इज टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया दैट इज मस्कुलर, टूनिका इंटाइमा दैट इज स्क्वामस सेल इंडोथीलियम, ठीक। देन हम बात करते हैं यहां पे आगे, डियर स्टूडेंट्स यहां पे हम बात करते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज डियर स्टूडेंट जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज की बात करते हैं, दैट इज कैपिलरीज इज स्क्वामस, कैपिलरीज जो होती है स्क्वामस, स्क्वामस कैपिलरीज इज स्क्वामस सेल इंडोथीलियम, ठीक, सेल इंडोथीलियम, सेल इंडोथीलियम कैपिलरीज किसके बनी होती है, वनली सेल एंडोथीलियम, स्क्वामस सेल इंडोथीलियम की बनी होती है, यानी कि टूनिका वनली एंटाइमा, यानी कि टूनिका Only in timer, ठीक, टूनिका only in timer। Then हम बात करते हैं, ठीक, इसके अंदर no vascular wall, कोई vascular wall नहीं पाया जाएगी, आप कह सकते हैं no muscular wall, ठीक है, no muscular wall, कोई भी muscular wall इसके अंदर नहीं पाई जाएगी, that is squamous cell endothelium, टूनिका वनली इंटाइमा, नो मस्कुलर वाल, कोई मस्कुलर वाल कैपिलरीज के अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है। देन हम बात करते हैं वासा वसोरम, टॉपिक है वासा वसोरम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वासा वसोरम, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट में वासा वसोरम क्या होता है, व्हाट इज वासा वसोरम, ठीक। यहां पे हम बात करते हैं वासा वसोरम, वासा वसोरम की बात करते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट जो वासा वसोरम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्लड विसल्स, इसका मतलब यहां पे ये है
ये ब्लड सप्लाई करता है ब्लड बी सेल्स को, यानी कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जो किचन में खाना बनाते हैं वो खाना बना के सबको खिलाते हैं, लेकिन खुद भी तो खाते होंगे, तो वही काम वासावसुरम भी करता है, ब्लड सप्लाई आ ब्लड बी सेल्स, ठीक, दैट इज वासावसुरम, ब्लड सप्लाई आ ब्लड बी सेल, ठीक, यह ब्लड बी सेल्स को ब्लड देता है, यह ब्लड बी सेल्स को ब्लड देता है, दैट इज वासावसुरम, ठीक। सॉरी स्टूडेंट्स, देन हम बात करते हैं हार्ट की, आइए हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट दिल की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, ठीक है। हार्ट डियर स्टूडेंट्स, जो हार्ट होता है या फोर्थ चैम्बर होता है, ठीक है, कवर्ड किससे होता है, कवर्ड बाय पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम से, तो हार्ट जो होता है डेट इज फोर चैम्बर, चार चैम्बर हार्ट पाया जाता है, कवर्ड बाय पेराइटल, ठीक, कवर्ड बाय पेराइटल कार्डियम, पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, ठीक, विसरल एंड पेरी कार्डियम, बिटवीन विच पेरिकार्डियल फ्लूड इज प्रेजेंट, बिटवीन विच पेरिकार्डियल फ्लूड इज फाउंड, इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूड पाया जाता है, ठीक। तो जो हार्ट होता है डेट इज फोर चैम्बर्ड, कवर्ड बाई पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, बिटवीन विच पेरिकार्डियल फ्लूड इज फाउंड, इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूड पाया जाता है, ठीक। डियर स्टूडेंट, जो हार्ट होता है डेट इज ओरिजिन, इसकी जो होती है मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, ठीक, तो आप कह सकते हैं हार्ट इज मीजो डर्मल, इसकी ओरिजिन कैसी होती है, मीजो डर्मल होती है, एंड प्रेजेंट इन मेडियास्टिनल स्पेस, और कहाँ पाया जाता है, एंड प्रेजेंट इन मेडियास्टिनल स्पेस के अंदर यह पाए जाते हैं, मेडियास्टिनल स्पेस के अंदर पाए जाते हैं, जो कि टिल्टेड टू लेफ्ट लंग, जो कि किससे होते हैं, टिल्टेड टू लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग की साइड टिल्टेड होते हैं, मतलब कि उसी की साइड थोड़ा सा दबे होते हैं, ठीक है, टिल्टेड क्लेंच्ड क्लेंच्ड फर्स्ट साइज, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेंच्ड फर्स्ट साइज, ठीक, क्लेंच्ड फर्स्ट साइज, ठीक। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज हार्ट, फोर चैम्बर्ड होते हैं, कवर्ड बाय पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, बिटवीन विच पेरिकार्डियल फ्लूड इज फाउंड, हार्ट इज मेजोडर्मल एंड प्रेजेंट इन मेडियास्टिनल स्पेस, टिल्टेड टू लेफ्ट लंग, क्लेंच फर्स्ट साइज, ठीक। देन हम यहां बात करते हैं, अब आगे हार्ट वाल की बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स हार्ट वाल की बात करते हैं, हार्ट वाल की जब हम बात करते हैं तो हार्ट की वाल जो होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम पाया जाएगा, इसके अंदर मायोकार्डियम पाया जाएगा, इंडोकार्डियम पाया जाएगा, ठीक है।
डेट इज इंडोकार्डियम। मायोकार्डियम को यहाँ पे हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स, मायोकार्डियम को हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक मसल। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स डेट इज हार्ट वाल, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम डेट इज कार्डियक मसल्स, इंडोकार्डियम डेट इज इनर कार्डियम। ठीक, सो डियर स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में हमने बात किया बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का, पार्ट थ्री कंप्लीट किया, इसके आगे में भी पार्ट फोर भी आएगा। ठीक है, इस टॉपिक पे पार्ट थ्री में हमने बात किया ब्लड ग्रुप की, बात किया ब्लड ग्रुप के जो चार्ट है उसकी हमने बात किया, अदर ब्लड ग्रुप की बात किया, आरएच फैक्टर की बात किया, यहाँ पे हमने इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेटिंग ब्लड वेसल्स में कैसे होता है, आर्टरी और वेन की बात किया। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ वाला ब्लड की बात किया, हार्ट की बात किया, हार्ट वाल की बात किया। सो डियर स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। सो थैंक यू, आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है।